सीएम गहलोत जादूगर हैं तो विधायक मलिंगा खतरों का खिलाड़ी, बाड़ी की प्रमुख खबर। 7 मई को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव मरेना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए भाषण से धौलपुर जिले के साथ साथ संपूर्ण प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। बाड़ी विधायक गिर्रा सिंह मलिंगा एवं बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा के नाम को जिस तरह से सीएम गहलोत ने उछाला है, उससे उनकी मनसा स्पष्ट रूप से नजर आती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाड़ी से मलिंगा को कांग्रेस टिकट मिलना अब मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन है। साथ ही धौलपुर की विधायक शोभा रानी कुशवाहा का महत्व जिले की राजनीति में एकदम बढ़ गया है। धौलपुर जिले की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी माने जाने वाले वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह ने अपना दाव चल दिया है। निश्चित रूप से आज धौलपुर जिले की राजनीति में विधायक रोहित बोहरा एक चमकते हुए सितारे की तरह हैं। मरेना की आम सभा ने एक तरफ जहां विधायक मलिंगा के रुतबे को कम किया है, वहीं दूसरी तरफ राजाखेड़ा विधायक का कद बढ़ गया है। अपने विधानसभा क्षेत्र में खासे लोकप्रिय विधायक गिर्रा सिंह मलिंगा अब सीएम गहलोत से दो दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से उनके क्षेत्र की जनता का साथ उन्हें इस मामले में ताकत दे रहा है। इसमें आपके दो विधायक और थे, गिर्रा मलिंगा और खिलाड़ी बैरवा, 102 लोग थे। मुझे कहना पड़ा कि मैं आप सबका अभिभावक रहूंगा, चिंता मत करो, हम सब मिलके वापस सरकार लाएंगे, आपको जिताएंगे। अब हर MLA पर है जो मेरे कलम से हाथ लिखा था काम, बजट के माध्यम से जो मुझसे मांगा, मैंने कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे, और मैंने क्या कहा, देते देते नहीं थकूंगा, मैंने वादा निभाया है। और मैंने भेदभाव नहीं किया, बोलो और माफ करो, जो चले गए थे हमें छोड़ के, उनको मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, पुरानी बातें भूलो, सब मिलके चलो। कांग्रेस इस देश के DNA के अंदर है, देश का DNA, कांग्रेस का DNA एक सा है, जो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र के लोगों के साथ लेकर चलती है। इतने मैंने तो क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा, मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे MLA को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको वापस। अमित शाह को 10 करोड़ दो वापस, 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो, उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखे, वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा डराएगा, जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के दो टुकड़े कर दिए, 25 MLA को ले गया। नगर परिषद वार्ड नंबर 7 से भाजपा के सत्य प्रकाश शर्मा विजयी, धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 8 मई 2023 को धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 में हुए चुनाव का परिणाम आया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्य प्रकाश शर्मा विजयी रहे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि नगर परिषद धौलपुर में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता ने अपना मतदान किया है, यह कांग्रेस के भ्रष्टाचार एवं कुशासन के विरुद्ध पीड़ित आमजन का प्रथम परिणाम है। वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। चुनाव संयोजक विशंबर दयाल शर्मा ने कहा कि सत्य प्रकाश शर्मा के रूप में वार्ड को एक प्रतिभावान युवा पार्षद मिला है। इस अवसर पर करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया, पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद शर्मा, जिला महामंत्री एवं पूर्व विधायक सुखराम कोहली, जिला उपाध्यक्ष सुरेश कौशिक, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष कुकू शर्मा, बाड़ी विधानसभा प्रभारी प्रशांत परमार, वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र सिंह राजौरिया, वरिष्ठ नेता भाजपा हरिनिवास प्रधान, विजय त्यागी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, जिला मंत्री विनय परमार, रामप्रसाद बघेला, कार्यालय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला, डॉक्टर मनोज शर्मा, IT प्रभारी हरिंद्र राव, सोशल मीडिया प्रभारी ऋतिक वर्मा, शशि त्यागी, कल्पना शर्मा, उमा सिंह, राजकुमारी लवानिया, वंदना शिवहरे, छाया शर्मा, ब्रजमोहन शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। 63 के आदेश बेअसर, 5 महीने बीतने के बाद भी नहीं हो पाई जमा बकाया ब्याज राशि, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। तहसीलदार के द्वारा दिनांक 6 दिसंबर 2022 को अपने पत्र क्रमांक TRA/
221/291 से अंगूरी पत्नी हीरा सिंह पुत्र जंगजीत ठाकुर निवासी वार्ड नंबर 15 राजाखेड़ा को पत्र भेजकर अवगत कराया गया था कि आपकी पेंशन सामाजिक वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई थी। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका राजाखेड़ा द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार अपात्र पाए जाने पर आपकी पेंशन निरस्त की गई थी, जिससे आपके द्वारा पेंशन के अधिक भुगतान की राशि 88,500 जमा कराए जा चुके हैं, लेकिन उक्त संबंध में ब्याज 18% से 1,991 वसूल किए जाने थे, जिन्हें राजकोष में जमा कराने के आदेश किया गया था। आदेश में बताया गया था कि आपके द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा नहीं कराई जाती है तो आपकी चल अचल संपत्ति की कुर्की नीलामी की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, परंतु आदेश के 5 महीने गुजरने के बावजूद उक्त व्यक्तियों के द्वारा ब्याज की राशि जमा नहीं कराई गई, फिर भी तहसीलदार के द्वारा कुर्की नहीं कराई गई है और ना उसकी नीलामी कराई गई। इससे साफ साबित होता है कि तहसीलदार के आदेश बेअसर दिखाई देते हैं। क्या तहसीलदार राजाखेड़ा कोई कार्रवाई करने की जहमत उठाएंगे, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। सरानीखेड़ा मेन बाजार में सांडों का बड़ा आतंक। सरानीखेड़ा धौलपुर की प्रमुख खबर। गांव सरानीखेड़ा में सांडों का कुछ ज्यादा ही आतंक व्याप्त है। आए दिन कोई न कोई घटना देखने को मिलती है। रोज गाड़ियों में रखे सामान को निकाल कर खा जाते हैं और बाजार में राहगीरों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज 2 सांड आपस में लड़ गए तो बाजार में भगदड़ मच गई और जिससे 1 बाइक टूट गई, 1 दुकानदार का भी काफी नुकसान हुआ है। उत्तम सिंह कुशवा की रिपोर्ट। खेल खेलने से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। महेंद्र कोली बसेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के ग्राम पाटनपुरा में राम सनेही हनुमान मंदिर पर RPL सीजन फर्स्ट 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष बसेड़ी भैरव सिंह परमार, वरिष्ठ नेता जगदीश परमार और विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच सरमथुरा गुड्डी मौर्य और भाजपा मंडल महामंत्री महेंद्र कोली रहे। सभी अतिथियों का फूलमाला और साफा पहनाकर RPL सीजन फर्स्ट के आयोजनकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजक भोलू परमार, रॉबिन मंजेश, देवेंद्र कुशवा, संदीप परमार सभी ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसमें पहला मैच बसेड़ी एवं पूठपुरा के बीच खेला गया। बसेड़ी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पूरे देश में खेला जाता है और क्रिकेट खेलने से शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही मानसिक विकास भी होता है। बसेड़ी टीम के मैन ऑफ द मैच रहे सचिन परमार को माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर दर्शकगण हेमंत भूरा, कुलदीप, रानू, मनसाराम, राहुल, जेपी शर्मा सहित अनेक क्रिकेट प्रेमी और ग्रामवासी उपस्थित रहे। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। टीम कार्यक्रम के आयोजक करता है भोलू परमार जी और सारी टीम को धन्यवाद देना चाहूँ, जिन्होंने यहाँ हमको बुलाया अतिथि के रूप में। उनके लिए सभी के बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी सारी टीम के लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि खेल को खेल की भावना से ही खेलें, क्योंकि खिलाड़ी मैदान में पहलवान 2 होते हैं, लेकिन एक की जीत हार तो होती है। जीत हार से कोई मतलब नहीं है, हारते हैं तो वो आगे जीतते भी है। तो खेल कल होगा महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर।
उपखंड क्षेत्र के ग्राम नागर में कल जिले भर के राजपूत समाज द्वारा स्थापित की गई मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम में संपूर्ण धौलपुर जिला एवं आसपास के जिलों के सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है। कल ग्राम नागर तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर में राजपूत समाज एवं जिला राजपूत समाज सभी क्रांतिकारी युवाओं की तरफ से पूरे विश्व के गौरव, भारत के गौरव तो है ही यही पर, लेकिन पूरे विश्व में विख्यात ऐसे मेवाड़ी महाराणा प्रताप सिंह जिनकी मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है, तो दिनांक 9/5/2023 सुबह 10 बजे ग्राम नागर में समस्त धौलपुर जिला के सर्व समाज के लोगों से आग्रह करता हूँ, आसपास पड़ोस भिंड मुरैना ग्वालियर आगरा इटावा फिरोजाबाद मथुरा अन्य सभी आसपास 100-200 किलोमीटर के एरिया के जितने भी सनातनी धर्म के लोग हैं और हमारे सर्व जाति के हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो इस ऐतिहासिक महाराणा की मूर्ति के अनावरण पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर